लिपस्टिक की कलेक्शन तो बहुत वाइड है और बहुत मतलब सब लोग यूज़ नहीं करते, मैं वो वाले कलर्स यूज़ करती हूँ एंड सरप्राइजिंगली मैं नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं। ये सारे पिंक के शेड्स हैं, थोड़ा सिली लगेगा बट देर इज़ लाइट पिंक, देर इज़ बेबी पिंक, देर इज़ डार्क पिंक, देर इज there's fuchsia pink, there's all kinds of pink I have. So this is flat out fabulous. ये जब आपको बहुत pink pink lips चाहिए, and then there is candy yum yum. ये मेरी favorite है. जब आप इसे लगाते हो तो आपकी lips, आपकी जो lips है वो candy जैसे दिखते हैं and looks like so yum, you know. So इसका color भी बहुत ही candy yum yum है, you know, it's very candy candy. Then there is smoked purple. ये events के लिए है, it can't be used in the show, पर मैं ये भी use करती हूँ show के लिए. Maroon color के साथ and the dark color के साथ and whites के साथ, it looks very nice. It's very in. पेंसिल लाइनर है, इट्स नॉट अ लिपस्टिक. अगर आप ये पेंसिल यूज़ करेंगे लिपस्टिक की जगह पे तो वो ज़्यादा देर तक टिकती है. तो आई विल जस्ट पुट दिस फॉर यू एंड शो यू. इस ऑरेंज कलर को नूड बनाएंगे. अभी ये लिपस्टिक ऑरेंज लग रही है क्योंकि ये ऑरेंज कलर ही है. अगर आप लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा सा बेस लगाओगे ना तो आपकी लिपस्टिक ना एकदम लाइट हो जाएगी. रुको मैं आपको दिखाती हूँ. सारे में लिपस्टिक अभी पूरा नहीं है, थोड़ा ही है. और यार लिपस्टिक में एक शेड कभी भी मैं इतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लगाती हूँ, लेकिन मैं बताऊँ मैं बहुत ही सेफ कलर्स लगाती हूँ. और बिकॉज आई एम ब्रिटिश, मैं बहुत फेयर नहीं हूँ तो मुझे देख कर कलर खरीदना होता है. फेयर लोग कुछ भी लगा ले सब चलता है. अगर आप ये ऑरेंज भी देखो तो ये बिल्कुल डार्क ऑरेंज में नहीं लगाती, इसको बस हल्का सा लगाया और फिर मैं उसको लिप्स पे हल्का सा स्मज करके उसको लाइट कर देती हूँ. तो मैं एक्चुअली पिंक सबसे ज़्यादा लगाती हूँ, बिल्कुल लाइट कलर करके. एंड अदरवाइज मुझे मैक के ये पिंक शेड भी बहुत पसंद है. लिप्स ड्राई हैं तो आजकल तो लिप स्क्रब आते हैं, लिप बाम्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. मैक का ये प्राइमर है, ये बहुत अच्छा होता है. घरेलू नुस्खे, मुझे लगता है कि बीटरूट बहुत अच्छा होता है. पता है कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत घर में आराम तलवी चल रही है तो मैं कभी कभी सैलेड कट करती हूँ ना, तो बीटरूट लगा लेती हूँ, हल्का सा इधर भी डाल लेती हूँ और कहीं अगर जाना है तो वैसे निकल भी जाती हूँ. पता नहीं चलता कि आपने बीटरूट लगाया हुआ है या आप मेकअप करके जा रहे हो, लेकिन बस तरीका अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए.
वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। बटर में रोज़ लीव्स बहुत ज़्यादा, रोज पेटल, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पिंकिश आपके लिप्स लिप्स का कलर थोड़ा लाइट होता है। अगर कई बार स्मोक करने से वो जो स्पॉट्स आ जाते हैं उसमें थोड़ा फायदा करें। In a daytime, I would wear something like this, which is matte and pink. ये nude की तरह ही है. This is pink, and जितना हो सके you must apply it with a brush. But the brush is very important. बिना brush के इतनी finishing नहीं आती. So in case you want finishing, always use a brush. So this is for the morning time. फॉर ऑफिस वेयर। उसके बाद अगर आपको इवनिंग में किसी पार्टी में जाना है देन यू कैन यूज दिस शेड ऑफ मैट। ये ऑरेंज है, इसको हम रोबस्ट भी कहते हैं, एंड दिस इज मोर डार्कर ऑरेंज और डार्कर वाइन शेड। आजकल वाइन शेड बहुत चल रहा है, सो आई अप्लाई वाइन ऑल्सो व्हेन आई ट्रेवल फॉर अ पार्टी। लिप्स की केयरिंग करना भी एक आर्ट है, बिकॉज जैसे बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स के आप टेक केयर करते हो, वैसे लिप्स के लिए भी यू हैव टू डू प्रॉपर स्क्रबिंग, बिकॉज स्पेशली पीपल जो बहुत ज़्यादा ऑफिस जाते हैं या पीपल लाइक अस हु आर इन मीडिया, जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती हैं चीज़ें। सो फॉर अस, जब आप घर पे होते हैं तो जितना हो सके यूज़ लिप बाम, डू नॉट यूज़ लिपस्टिक, बिकॉज बहुत ज़्यादा, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स माइट आपके लिप्स के टोन को चेंज कर देता है। सो जितना हो सके डू नॉट यूज इट अनटिलस इट्स नेक्स्ट। बहुत सारे शेड्स निकले हैं जो 12 आवर्स 16 आवर्स वाले हैं, लाइक 9 to 5 में भी काफ़ी ब्रांड्स के निकले हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक आपके लिप्स पर स्टे करते हैं। हालांकि यहाँ मेरे पास सारी लिपस्टिक्स नहीं हैं, यहाँ पर जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी है, बाकी मैं घर पर रखती हूँ। लिपस्टिक का एक्चुअली क्या होता है, लिपस्टिक का ज़्यादातर आईज़ और लिप्स का ही हमेशा रहता है। अगर आप लिप्स बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहे हो तो आप आईज़ हमेशा थोड़ा सा सटल रखते हैं, या अगर आईज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर स्मोकी कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, काजल भी लगा रहे हैं, तो फिर आप लिप्स थोड़े से सॉफ्ट रखते हैं। आई हैव ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स, आई हैव ऑल डिफरेंट शेड्स। मैं यूजुअली अपने शो में तो एक ही लिपस्टिक मेरा फिक्स है, एक ही कलर सिर्फ वो ही लगाती हूँ, वो मैक का प्लीज मी है। हमेशा 3-4 कम से कम 4 शेड्स मिक्स करके लगाती हूँ, सो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि करना चाहिए तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कलर किसी और को मिले ही ना। सो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या तो आप बिल्कुल मेकअप नहीं करें, जैसे कि मैं हूँ, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए। बट अगर आपको सिर्फ एक लिपस्टिक लगानी है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर लाइट कलर्स। आप मॉल जा रहे हैं, शादी में नहीं, तो लाइट कलर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय अ मैट लिपस्टिक, लेकिन मैट में भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज
थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होना ही होना चाहिए. जैसे कि मेरी जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, बहुत सारी लिपस्टिक्स ऐसे होती हैं कि आपको कलर देती हैं लेकिन फिर ड्राई कर देती हैं थोड़ी थोड़ी देर में बाद आपके लिप्स को, एंड देन यहाँ से फिर निकलने लगती है, बस यहाँ रह जाती है लिपस्टिक. आई हेट दैट कि हाफ लिप्स पे लिपस्टिक है हाफ पे नहीं है. सो बाय लिपस्टिक्स, दोज लिपस्टिक्स जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखें और कलर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ऑफ हो जाए. ये मेरा लिपस्टिक का ही बॉक्स है जिसमें ये पेंसिल्स हैं. दिस इज़ कलर बार. मोस्टली आई हैव शैम्बोर एंड कलर बार, एंड नॉर्मली जो मैं इस लिपस्टिक लगाती हूँ वो है न्यूट कलर. एंड नॉर्मली आई यूज़ दिस लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल एंड दिस इज़ अ न्यूट कलर. रेड और पिंक और ये सब बहुत कॉमन है. और अभी अभी लेटेस्ट मैंने एक परचेज किया था, बहुत ही प्रिटी है डार्क कलर. मैंने पहली बार परचेज किया विच इज़ फॉर इवेंट्स. और ये प्रॉपर डार्क ब्राउन मरून टाइप कलर है. येस दिस इज़ अ पिंक कलर फ्रॉम फेसेस. दिस इज़ वेरी नाइस, आई लाइक इट. एंड एक मैक का रेड कलर का लिपस्टिक है, रेड कलर का मैक का, इट्स वेरी नाइस. आई लव दीज पेंसिल्स फ्रॉम कलर बार विच इज़ अगेन अ वेरी ड्राई थिंग. मैं ड्राई लिपस्टिक्स ही लगाती हूँ. सबसे पहले लिपस्टिक लगाने से पहले वैसलीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं भूल जाती हूँ. और मेरी जो रूममेट है विच इज सुमन भाभी, वो हमेशा लगाती है, तो उनका देखकर एक बार मुझे भी देना अपना लिप बाम. तो वो लगाकर एक बार आप टिश्यू से उसको पोंछ दो तो आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट एंड सटल हो जाएंगे. लिप्स मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू कीप इट मिनिमल. जो भी इट्स अनदर डिफरेंट वे ऑफ हाईलाइटिंग योर लिप्स. और ये ब्राउन नहीं है, एक तरह का मरून भी नहीं, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कलर जो कि पार्टी वेयर के लिए परफेक्ट. अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो इवनिंग वेयर के लिए इफ़ यू जस्ट पुट दिस कलर, ये आप देख सकते हो, दिस इज माई रेगुलर वेयर. मैंने एक सिमिलर सी शेड यू नो आई हैव पुट राइट नाउ, जो कि ये है मैक मैट मेहर. ये जो आप पीच पिंक देख रहे हो ये एक वर्सेटाइल कलर है. इनफैक्ट फॉर स्वाधीनदास कैरेक्टर मैंने इसी का एक पीच शेड, इसी सेम कंपनी का एक पीच शेड कॉन्स्टेंट रखा हुआ है मेरे लिए. इस शो के लिए जो पर्टिकुलरली जो दो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज ऑरेंज एंड ये एक मजेंटा पिंक है, क्योंकि अंगूरी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही झटैक टाइप का है, इसलिए मुझे शेड्स भी थोड़े ऐसे झटैक टाइप के लगाने पड़ते हैं. तो ये दोनों मेरे फेवरेट शेड्स हैं. ये स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा लगता है. पिंक ये भी एक बहुत ही ब्राइट सा पिंक है. चेरी रेड ये भी बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन पे. तो अंगूरी स्पेसिफिकली इस कैरेक्टर के साथ मुझे थोड़े ऐसे एकदम डार्क कलर्स और एकदम झटैक कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं. लिप्स के अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपना लिप कलर चूज़ करना चाहिए. और आप क्या पहन रहे हैं, आपका स्किन टोन क्या है. तो अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, जैसे अगर आप ब्लैक पहन रहे हैं तो, और अगर आप किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं तो स्मोकी आईज के साथ अगर आप ये वाला जो मैक का एक शेड है ब्राउन सा, या आप एकदम ये वैसे थोड़े सिमिलर हैं लेकिन ब्राउन शेड जो एकदम स्किन शेड होता है वो अगर आप लगाएंगे विद स्मोकी आईज तो वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है. अपने स्किन टोन के हिसाब से अगर आप बहुत फेयर हैं तो आप पिंक कलर यूज़ करो, बहुत अच्छा लगेगा. पीच यूज़ करो, बहुत अच्छा लगेगा. आजकल ऑरेंज के बहुत सारे शेड्स हैं,
मार्केट में, तो ऑरेंज के शेड्स आजकल किसी किसी स्किन टोन पे जैसे व्हीटिश हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो उसके लिए, वो आप ट्राई करो। पर कॉलेज में मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जितने ब्राउन्स और पिंक्स के लाइट शेड्स लगाएंगे तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, और ज़्यादा यंग लगेंगे, और ज़्यादा फ्रेश लगेंगे। एक बहुत ही राज की बात बताती हूँ कि अगर जिनके लिप्स अगर काले हैं तो उन लड़कियों के लिए वो अपनी नेवल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल रोज लगाएं तो आपके लिप्स जरूर अच्छे होंगे, पिंक होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। ये थे लिपस्टिक के बारे में कुछ जरूरी बातें। हम उम्मीद करते हैं कि बहुओं की ये सारी टिप्स आपके खूब काम आएंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।